राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी सदस्य, शिक्षक तथा आम नागरिक अंकुर अभियान से जुड़कर पर्यावरण को सहेजने में अपना योगदान दे। नवीन शिक्षा नीति भारत को समझने तथा समझाने में अपना योगदान देगी तथा भारतीय संस्कृति की पहचान कराएगी। उक्त बात राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय महाविद्यालय मार्कडोन के 7 दिवसीय शिविर के समापन के अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्य अतिथि के रूप में कही। समापन सत्र की शुरुआत सरस्वती माता के पूजन व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर रमन सोलंकी, अग्रणी महाविद्यालय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन की प्राचार्य वंदना गुप्ता, डॉक्टर कविता जैन, डॉक्टर हरीश व्यास एवं जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रदीप खरे उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने शिवरात्रियों को अपना आशीर्वचन प्रदान किया और 7 दिवसीय विशेष शिविर में किए गए सभी कार्यक्रमों में प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए तथा प्रमाण पत्र वितरित किए। डॉक्टर रमन सोलंकी ने शिवरात्रियों को अपने पहले शिविर की यादगार बातें बताई, उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर अनिल दीक्षित ने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने महाविद्यालय की जानकारी प्रदान की। डॉक्टर दीपक मीना ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर नीता जाधव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूरे स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। उज्जैन जिला ब्यूरो ललित परमार की रिपोर्ट। सर, आप माखड़ोन पधारे, इसके लिए स्वागत है। क्या कार्यक्रम था, समापन कार्यक्रम को आपने संबोधित किया? हाँ जी, NSS का समापन ये शिविर लगा हुआ था, ये शिविर का समापन है। इसमें NSS के हमारे विद्यार्थी गण, इसके अधिकारी गण और खास तौर से यहाँ पे महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य जी और हमारे शिक्षक साथी सब इसमें सम्मिलित थे। इस अवसर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को और युवाओं को आज से ही ये आवश्यकता है कि उनको किस तरीके से राष्ट्रीय गौरव के बारे में बताया जाए। और खास तौर से जो हमारी पहली बार राष्ट्र ने केंद्रित शिक्षा नीति आई है, उसमें आउटरीच प्रोग्राम का बहुत बड़ा महत्व है। फर्स्ट ईयर से ही लेकर के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरीके की जो रोजगार से संबंधित जानकारियां हैं, ट्रेनिंग है, उनको दी जाना है। यह महाविद्यालय सेरिकल्चर और बहुत सारी ऐसी वर्मी कंपोस्ट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में जो है ट्रेनिंग दे रहा है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। और जिस गांव को इन्होंने गोद लिया है, वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन के लिए। और खासतौर से विश्वविद्यालय जो है वो कॉलेजेस के डेवलपमेंट से ही विश्वविद्यालय का नाम होता है। यह विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम करेगा, उसके कारण विश्वविद्यालय का नाम भी होगा। और इसी कारण को, इसी सब ध्यान को रखते हुए मैं आज यहाँ आया और मुझे यहाँ आकर के अपने शिक्षक साथियों से, विद्यार्थियों से मिलकर के बहुत खुशी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और यहाँ हम लोग एक रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे। देखता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ की क्या फैकल्टी में क्या जो है, किस तरीके की उनकी एक्सपर्टाइज है, उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर हम लोग, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ इस कॉलेज में बनाएंगे। कि ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज है तो यहाँ पे वो सेंटर विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पे हम